लर्निंग एक्सपीरियंसिस एंड ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस हम किस तरह से मुख्तु लर्निंग को एक ही अचीवमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं ये हमारा फोर्थ प्रिंसिपल है मेनी लर्निंग एक्सपीरियंसिस कैन बी यूज टू अचीव वन ऑब्जेक्टिव फॉर एग्जाम्पल वी से लर्ट्स मेक एन ऑब्जर्वेशन ऑफ ए प्लांट आप ये ऑब्जर्वेशन क्लासरूम में भी कर सकते हैं आप कुछ प्लाट्स क्लास में ले आइए और वहाँ पर आप ऑब्जर्वेशन करा सकते हैं द सेम एक्सरसाइज ऑफ ऑब्जर्वेशन कैन बी डन जहाँ पर हम चाहते हैं कि बच्चों को पौधे के मुखलिफ हिस्सों के बारे में पता चल जाए तो आप बाहर ग्राउंड में भी जा सकते हैं और आप वहाँ पर एक बड़े दरख्त की ऑब्जर्वेशन भी कर सकते हैं बेसिक मकसद ये है कि बच्चा एक प्लांट के या एक दरख्त के मुख्तु हिस्सों के बारे में जानकारी हासिल कर ले सो so, ये एक्टिविटी आप क्लासरूम में भी कर सकते हैं और क्लास रूम के बाहर भी कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव इज वन एंड द सेम सो मैनी डिफरेंट लर्निंग एक्सपीरियंसिस कैन बी गिवन टू द स्टूडेंट फॉर द अचीवमेंट ऑफ वन ऑब्जेक्टिव सो जो लर्निंग ये क्राइटेरिया पूरा करते हैं कि वो इफेक्टिव है

अगर आप ये चाहते हैं कि बच्चे मेजरमेंट सीखें तो आप ये मेजरमेंट किसी प्लांट की भी करा सकते हैं यह मेजरमेंट एक टेबल की भी हो सकती है और एक चेयर की भी हो सकती है सो इन ईच केस ऑब्जेक्ट इज डिफरेंट बट वट स्टूडेंट्स आर लर्निंग इज द एबिलिटी टू मेजर एंड टू मेजर एक्यूरेटली एंड टू मेक ऑब्जरवेशन एंड देन टू पुट डाउन दैट ऑब्जर्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ए टेबल सो लर्निंग एक्सपीरियंस की मदद से मुख्यफ लर्निंग एक्सपीरियंसिस की मदद से हम एक ऑब्जेक्टिव को हासिल कर सकते हैं और यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि वो ऑब्जर्वेशन करें और मेयरमेंट करें और फिर इसको लिखें तो ये ऑब्जर्वेशन और मेयरमेंट किसी भी ऑब्जेक्ट की हो सकती है और इसके अगेंस्ट बच्चे अपने नतज को तैयार कर सकते हैं मैनी लर्निंग एक्सपीरियंसेज कैन बी यूज टू अटेन वन पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव जैसा कि अभी जिक्र किया गया कि आप मुख्त तरह के लर्निंग एक्सपीरियंसेस दे सकते हैं और उससे एक खास ऑब्जेक्टिव को आप अचीव कर सकते हैं ये किसी भी प्राइमरी क्लासरूम में हो सकता है और एलिमेंट्री लेवल की क्लासरूम में आप ये एक्टिविटी करा सकते हैं वट इज दर्चुनिटी फॉर द टीचर्स हेर बी करिकुलम डिवेलपर्स वी नीड टू नो दैट जब मुख्त तरह के लर्निंग एक्सपीरियंसिस की मदद से एक ही ऑब्जेक्टिव को हासिल किया जा सकता है तो हम टीचर्स को ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो मुख्त तरह की क्रिएटिव प्लानिंग कर लें और मुख्तु तरह की प्लानिंग करें और एक ही ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए तरह की एक्टिविटीज़ में बच्चों को इन्वॉल्व कर सकते हैं सो दे कैन लर्न हाउ टू बीक मोर क्रिएटिव दे कैन हैव मोर फन विद द स्टूडेंट्स एंड दे शुड नो एंड दे वुड नो कि एक ही तरह का लर्निंग एक्सपीरियंस एक ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता बल्कि मुख्तु तरह के लर्निंग एक्सपीरियंसेस हम दे सकते हैं और हमारा एक ऑब्जेक्टिव पूरा हो सकता है सो इन एक्चुअल टीचिंग क्लासरूम अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे क्रिएटिव हों और वह बच्चों को क्रिएटिवली पढ़ा सकें एंड दे कैन ऑल्सो यूज देयर ओन ऑब्जर्वेशनल स्किल्स एंड नॉलेज ऑफ द क्लासरूम कि वो एक ख़ास ऑब्जेक्टिव जिसका उन्होंने उसूल करना है उसको वो मुख्तु तरह की एक्टिविटीज से और मुख्तु तरह की एक्सपीरियंसेस से क्लासरूम में सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं जहाँ पर बच्चे सीखने का अमल मुकम्मल तौर तो पर पूरा कर सकते हैं वट इज़ द रोल एंड वट इज इट इन इन इट फॉर द स्कूल स्कूल के लिए इसके अंदर क्या है जब हम ये कहते हैं कि हमने एक ऑब्जेक्टिव बनाया और हमारे करिकुलम में लर्निंग एक्सपीरियंसिस को दे दिया गया कि इस एक खास ऑब्जेक्टिव को आप मुख्त तरह के लर्निंग एक्सपीरियंसिस की मदद से पढ़ा सकते हैं इसके साथ साथ हम बिंग कैलिकुलम डेवलपर्स ये भी सजेस्ट करते हैं कि उस में इतनी क्रिएटिविटी होना ज़रूरी है और इतना नॉलेज होना जरूरी है कि वो मुख्तु लर्निंग एक्सपीरियंसिस की मदद से एक ही ऑब्जेक्टिव को अचीव करें विच मीन्स डेट वी आर गिवन वी आर गिविंग इनफ स्पेस टू द टीचर्स कि वो अपने मुताबिक अपनी क्लासरूम की सिचुएशन के मुताबिक बच्चों के इंटरेस्ट के मुताबिक क्लासरूम में एक्टिविटीज़ को अरेंज कर लें और एक ख़ास ऑब्जेक्टिव जो करिकुलम का दिया गया है उसको ऑब्टेंड कर लें इसके साथ साथ स्कूलों के लिए इसमें अपॉर्चुनिटी क्या है कि स्कूल एक बड़ा नंबर अपन एक्टिविटीज़ का या एक्सपीरियसिस का डवेलप कर सकते हैं और एक ही ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए मुख्त तरह की एक्टिविटीज करने की अपॉर्चुनिटी टीचर्स को प्रोवाइड कर सकते हैं जिसकी वजह से क्या होगा कि आप बहुत सारी एक्टिविटीज ऐसी हैं जो बच्चों के इंटरेस्ट के मुताबिक बना सकते हैं अगर बच्चे कोई भी एक्टिविटी बाहर जाकर करना चाहते हैं मसलन आप एक सोलर स्केल बनाना चाहते हैं या आप एक डायल बनाना चाहते हैं ग्राउंड में तो आप बच्चों की मदद से सनडायल पूरे दिन में क्लासरूम में नहीं बना सकते जिसके लिए आपका ग्राउंड में जाना निहायत ही ज़रूरी है अगर बच्चों का इंटरेस्ट ऐसा है कि वो बाहर जाकर काम करना चाहते हैं तो आपके पास बहुत ज़्यादा स्पेस है कि आपने बच्चों को यह दिखाना है कि हमारी घड़ी जो मुख्तिफ अत दिखाती है वो सूरज के साथ साथ किस तरह तब्दील होते चले जाते हैं सो so, सन डायल की मदद से और घड़ी के काम करने के साथ साथ हम बच्चों को सिखा सकते हैं कि घड़ी को सन की मुख्तिफ पोजिशन के हिसाब से डिफाइन किया गया है और उसी के मुताबिक हम मुख्त औकात का अंदाज़ा लगाते हैं सो so, ये एक्टिविटी ऐसी है जहाँ पर अगर बच्चों में इंटरेस्ट हो अगर आपका टीचर क्रिएटिव है तो उस एक्टिविटी को बाहर क्लासरूम में करा सकता है और जिससे बच्चे भी ज़्यादा सीखेंगे और एक टीचर की क्रिएटिविटी भी खुलकर सामने आती जाएगी बिल्कुल इसी तरह से इस कितनी एबिलिटी है कि वो किसी भी एक्टिविटी को क्रिएटिवली और मुख्तु तरीके से कर सकते हैं कि सेम ऑब्जेक्टिव को आप क्लासरूम के अंदर या बाहर हासिल कर सकें सो दिस काइंड ऑफ प्रोविजन इन द करिकुलम जब आप बींग करिकुलम डेवलपर ये प्रोविजन देते हैं कि इन मुख्तलिफ ऑब्जेक्टिव के लिए आप इस किस्म के लर्निंग एक्सपीरियंसेस तरतीब दे सकते हैं आया वो क्लासरूम के अंदर है या क्लासरूम के बाहर हैं और किस किस किस्म की एक्टिविटीज को आप बच्चों को क्लासरूम के बाहर भी दे सकते हैं और क्लासरूम के अंदर भी तो इसमें एक तो टीचर्स की सेटिस्फेक्शन आ रही है कि टीचर्स क्रिएटिवली काम करते हुए उस ऑब्जेक्टिव को हासिल कर सकते हैं बिल्कुल इसी तरह से बहुत सारी एक्टिविटीज उस बच्चों की दिलचस्पी के मुताबिक भी तरतीब दे सकते हैं और उनको पूरा ये चांस मिल सकता है कि वो बजाय इसके कि आपके दिए गए एक लर्निंग एक्सपीरियंस को स्ट्रिक्टली फॉलो करें बल्कि उनके लिए ये चांस बन जाता है कि वो इसको अपनी समझ के मुताबिक ऑब्जेक्टिव को जरूर अचीव कर लें भले उसका अचीव करने का तरीका कोई भी हो सो मल्टीप्लीसिटी ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसिस इज दैट मैनी डिफरेंट एक्सपीरियंसिस कैन बी गिवन मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ experiments कैन भी डन मैनी डिट टाइप्स ऑफ सिचुएशंस कैन बी प्रोवाइडेड फॉर द स्टूडेंट्स सो दैट दे अचीव वन एट द सेम ऑब्जेक्टिव इन द एंड सो दैट इज अ पॉसिबिलिटी टू गिव इन द करिकुलम दैट नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव इज लार्ज सो वी डोंट नीड टू नेसेसरी गिव लार्ज नंबर ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसिस राधर एक लर्निंग एक्सपीरियंस की मदद से हम मुख्य ऑब्जेक्टिव को भी अचीव कर सकते हैं और कई सारे लर्निंग एक्सपीरियंसेस की मदद से हम एक ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं और हम यहाँ पर क्रिएटिव होने का और बीइंग क्रिएटिव होने का चांस प्रोवाइड करते हैं क्लासरूम में